अब सीधा यहाँ से ब्रॉड वैली आज निकलेंगे, वहाँ पे रहने की सुविधा अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ से मंडी मुझे निकलना पड़ेगा। और आकाश भाई बाय बाय, कैसा लगा मिलके? देख लो यही मंदिर का गेट है, कुत्ता भी चैन की नींद सो रहा है, मजेदार जगह है भाई। मैं रिकमेंड आप लोग को जरूर करूंगा एक बार इस जगह पे आके। देख लो यहाँ से दो रास्ते हैं, ऊपर चला जाता है लाइब्रेरी वगैरह, ये नीचे फॉरनर भी है, मतलब रशियन लोग भी है यहाँ पे। ये भाई धर्मशाला का स्काईवे है, इसी इस जगह से दो रास्ते जाते हैं ऊपर मैक्लॉडगंज के लिए। मैं आपको दिखा दूँ ये जो इस भाई मंडी में आपका स्वागत है। कौन सा जगह ये? भाई मनाली जाने से पहले ये बरोट के लिए रोड कटता है, ये ब्रिज होते हुए जो है पूरा घूम के जो है उधर वहाँ सामने आपको बस दिख रहा होगा पूरा। ये रहा आपका कॉटेज, यहाँ पे चेयर लगा हुआ है और ये रहा व्यू। तो इस जगह पे एक डैम भी है, मैं वो भी चल के दिखाऊंगा। ये सामने आपको दिख रहा है ये डैम। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ मैक्लॉडगंज अपने होटल में ही हूँ, और ये मुझे होटल अपग्रेड करके मिला था। पहले एक डॉर्मेट्री ऊपर था, लेकिन ये जो है रूम दे दिया, बोला कि रुक जाओ इसी में अपना सामान वगैरह चार्ज किया जा रहा है। और ये रहा इसका बॉस, काफ़ी बढ़िया था भाई। और देख लो भाई चाय बन रहा है एकदम धड़ल्ले से, सामान सब अभी सेट नहीं किए हैं, सामान अभी ऐसे ही खुला पड़ा है इधर, बैग वैग सब कुछ। तो अब जो है यहाँ से सीधा जो है बैग वैग पैक करेंगे और वरोट वैली के लिए निकलेंगे आज के आज, क्योंकि देखिए आज सुबह में नींद खुल गया तो मैं सोचा कि निकल ही जाओ भैया 9:30, तो यही सीन चल रहा है, रोज़ कहीं ना कहीं निकलना ही हो जा रहा है, 9 बजे नींद अपने आप खुल जा रहा है भाई। तो अब सीधा यहाँ से वरोट वैली आज निकलेंगे, वहाँ पर रहने की सुविधा अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ से मंडी मुझे निकलना पड़ेगा। तो यही सब सीन आपको दिखाएंगे। और जिस जगह पर मैं रुका था यहाँ पे बहुत सारा होटल है भाई, इस जगह का नाम मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा, अगर इस जगह पे आते हो तो आपको सस्ते में होटल मिल जाएगा। अगर मैक्लॉडगंज रुकना चाहते हो तो मैक्लॉडगंज से 1 किलोमीटर पड़ता है ये जगह, इस जगह का नाम ऊपर मेंशन हो रहा होगा। इस जगह पे आकर रुको, सस्ता भी है और व्यू काफ़ी प्यारा है भाई। सामने देखो पूरा, अंदर देखो ना, अंदर पूरा घर दिख रहा होगा। इधर हो सके तो एक ड्रोन शॉट लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का इस जगह पे घर वगैरह होता है। आप ये ड्रोन शॉट देखो, फिर आपसे मिलते हैं, सीधा सामान वान पैक करके सीधा रोड पे। चलो भाई निकलने का वक्त हो चुका है, और भाई साहब को जो है मैंने पैसे दे दिए। बाय बाय, नाइस मीटिंग, बाय बाय बाय। ओह ओह, थम्स अप। ओके चलो, आकाश 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 इसको पकड़ लो एक साइड से, आ जाओ। नथिंग, इसको इसको थोड़ा सा वो देख लेना, कुछ छूटा तो नहीं है इसको। चलो आ जाओ, इसको ले लो, लेट्स गो लेट्स गो। अन्ना, व्हाट इज योर नेम? यू डोंट नो माय नेम? नो, यू कॉल मी ना। व्हाट? यू कॉल मी एनी नेम, दैट इज माय नेम। व्हाट? यू कॉल एनी नेम। अन्ना, बाय बाय। ओके अन्ना, बाय बाय। भाई अब निकलने का वक्त हो चुका है, 10:40 हो चुके हैं, मुझे लगा कि 10:30 में निकल जाएंगे। और आकाश भाई बाय बाय, कैसा लगा मिलके? ब्लॉगर कहाँ, मतलब हम तो आप लोगों के जैसे भाई है, ब्लॉगर तो बस शौक है, बस ऐसे ही जो दिखता है वो दिखाते हैं लोगों को। पूरा रात आकाश भाई मेरे साथ ही रहे थे, चाय वगैरह सब कुछ पिलाया मैंने इनको, खाना भी हम लोग पैक करवा के यहीं होटल में ही लेके आए थे। मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया। और आकाश भाई भी भाई देख लो सोलो निकले हैं, कितना दिन हो गया घर गया हुआ? 1 हफ्ता हो गया ना भाई। देख लो आकाश भाई के पास एक ये बैग है, कपड़ा होगा ना इसमें, और एक छोटा सा वो है चार्जिंग वगैरह जो भी कुछ है। तो भाई सोलो ही निकले हैं, मेरे पास गाड़ी पे जगह है नहीं, नहीं तो आकाश भाई को नीचे तक आपको मैक्लॉडगंज तक छोड़ देते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी टैक्सी वगैरह ले सकते हो कहीं से। चलो आकाश भाई बाय बाय, अगेन बाय बाय, फिर मिलते हैं कभी ज़िंदगी में, है ना। चलो बाय बाय, चलो आकाश भाई, चलो भाई आकाश भाई को अलविदा बोलते हुए, आकाश भाई बाय 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 बाय, आकाश भाई को अलविदा बोलते हैं और गाड़ी को डालते हैं न्यूट्रल में,
क्योंकि गाड़ी तो यहाँ से जाने वाली लुढ़कती हुई सीधा मैक्लोडगंज। रे 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 भाई देख लो अभी भी 10 बजे हैं और 10 बजे देख लो मोमोज का दुकान लग चुका है भाई। मोमोज वाले भाई कोई कसर नहीं छोड़ते लो खिलाने में है। देख लो यही मंदिर का गेट है और ये होली व्हील बोलते हैं इसको। भाई देखो कुत्ता भी चैन की नींद सो रहा है। अरे वाह बैकपैकर भाई बैकपैकर देखो बैकपैकर। मजेदार जगह है भाई, मैं रिकमेंड आप लोग को जरूर करूंगा एक बार इस जगह पे आके। इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो आप अपने हिसाब से, मजेदार जगह है दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा ऐसा दुनिया है ये। हमें जाना है नीचे साइड जिधर से मोनेस्ट्री वगैरह है, दलाई लामा टेम्पल वगैरह। चलो भाई नीचे चलते हैं इस साइड से। देख लो यहाँ से दो रास्ते हैं, ऊपर चला जाता है लाइब्रेरी वगैरह, ये नीचे वाला रास्ता दलाई लामा टेम्पल। भाई सुबह सुबह सारी दुकानें जो है खुल चुकी है भाई, 10 बजे ही दुकानें खुल जाती है यहाँ तो। बढ़िया यार यहाँ गोरे गोरे लोग दिख जाएंगे भाई ऐसे फॉरेनर की तरह, मतलब जापानी होता है चाइनीज उस टाइप के लोग दिख जाएंगे इस जगह पर। फॉरेनर भी हैं मतलब रशियन लोग भी है यहाँ पे, लेकिन वो टूरिस्ट लोग है। ये पीछा कर रहा है मेरा लग रहा है। ही इज फॉलोविंग मी दोस्तों। जब मैं आगे जाता हूँ तो ये पीछे रहता है, जब मैं पीछे रहता हूँ तो ये आगे जाता है। ही इज फॉलोविंग मी। कुत्ता साला बहुत तंदुरुस्त है भैया यहाँ का है, अब बहुत ज्यादा दिन जीवित रहता है यहाँ के कुत्ते। ये भाई धर्मशाला का स्काईवे है, इसी जगह से जो है रोपवे की बुकिंग होती है। देख लो ये रहा 450 रुपये एक साइड का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और 650 रुपये के आसपास अब दोनों साइड लेते हो तो, नहीं तो एक साइड का करते हो तो 450-550 के आसपास है। और यहाँ से सीधा धर्मशाला दबा है ना, धर्मशाला आपको सरकारी बस स्टैंड में ले जाके रोकेगा, वहाँ से उतर के आप कहीं भी घूमिए मज़ेदार। वाह 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 गाड़ी देख लो भैया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक। ढलान इतना खतरनाक वाला है ना कि मतलब आप आओगे तो ढलान में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पर इस रास्ते अगर जाते हो तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। वैसे इस जगह से दो रास्ते जाते हैं ऊपर मैक्लोडगंज के लिए, मैं आपको दिखा दूँ। ये जो इस साइड भी ये रास्ता देख रहे हो आप, इस साइड भी चला जाता है, ये रास्ता भी ऊपर चला जाता है। तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस रास्ते के थ्रू जाओ आराम से, थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, दोगुना पड़ता है रास्ता, 10 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर केवल, तो 4 किलोमीटर वाले से आप वापस आ सकते हो। लेकिन भाई जाना तो आप 10 किलोमीटर वाले से ही है भाई, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है भाई, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। आने के टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पर देख लो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और ये रहा धर्मशाला, गाड़ी अब जाके भाई स्टार्ट हुआ है। देखो 11:02 हुए हैं और यहाँ की सारी दुकानें जो है, तमाम सारी दुकानें जो है खुल चुकी है। ये सारा धर्मशाला है भाई, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन ढाबा जो है, खाना पीना अगर खाना है रात में तो ढाबा कम है भाई, कम से कम मुश्किल से 5-7 होगा। और रेट भी वो लोग एकदम ऐसा लेते हैं कि जैसे कि लूट मची हुई है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जगह पे ना यहाँ पे रेस्टोरेंट है। देख लो जैसे मिलाप ढाबा है ये, तो छोटा छोटा ढाबा बहुत है, लेकिन ये लोग भी ज़्यादा चार्ज करते हैं भाई, रेस्टोरेंट जैसा चार्ज करते हैं। भाई मंडी में आपका स्वागत है, कांगड़ा हम लोग पीछे छोड़ दिए और मंडी में हम लोग का वेलकम हो चुका है। अच्छा 94 है यहाँ पे, उधर 95 मैंने लिया था। कौन सा जगह ये? चमुंडई। पालमपुर से थोड़ा सा आगे भाई, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, पीछे से हॉर्न बज रहा है भैया। कितना अमाउंट हुआ है? 414। अरे भैया कहाँ लेके जाओ, शाम को लेके जाओ गाड़ी को। देख लो भाई टंकी पूरा फुल हो चुका है एकदम तेल। भाई मनाली जाने से पहले ये बरोट के लिए रोड कटता है, 25 किलोमीटर अभी भी इस जगह से है। तो चलो भाई इसी जगह मैं रुक गया था। भाई गाड़ी अपनी बंद है और पिछले 8 किलोमीटर से पहाड़ के ऊपर से ये नीचे ढलान में ढलती जा रही है भाई। अब बरोट यहाँ से 12 किलोमीटर है
और ये जो नीचे दिख रहा है ना, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको ब्रिज। ये ब्रिज होते हुए जो है पूरा घूम के जो है उधर, वहाँ सामने आपको बस दिख रहा होगा, पूरा घूम के उधर से पहाड़ी के पीछे जाना पड़ेगा भाई। तो भाई फाइनली ब्रॉट वैली पहुंच गए। ये रहा एंट्री गेट। ये रोड जो दिख रहा है, ये रोड से जस्ट इधर जाना है आपको। चलो भाई चलते हैं ब्रॉट वैली। भाई रोड तो काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन ठीक है, बाइक तो चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कार भी गई हुई है, ये बाइक पता नहीं कहां तक जाएगी। मेरे आते ही जो है कुत्ता जी पधार। ब्रॉट वैली पहुंचते ही बहुत सारा आपको कॉटेज मिल जाएगा इस तरीके का, देख लो सामने आपको दिख रहा है, इस तरह का बहुत सारा कॉटेज मिल जाएगा जिसका रेट पड़ेगा आपको 2000 रुपये। और व्यू मैं दिखाता हूँ कैसा रहेगा। ये तो सारा कॉटेज हो गया, और इसके सामने व्यू देखो आप, ये झूला भी इस जगह पे लगा हुआ है। भाई ये व्यू देखो, ये रहा आपका कॉटेज, यहाँ पे चेयर लगा हुआ है, और ये रहा व्यू। भाई क्या ही मज़ेदार व्यू है यार, ये व्यू मिलने वाला है आप सभी को। और ब्रॉट वैली इस जगह से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आगे तक चले जाओगे। भाई मेरे पास टेंट वगैरह तो है, मैं सोच रहा हूँ कि इधर लगा लूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी पहुँच गया हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगा है। तो पहले खाना पीना खाते हैं और देखते हैं, जो दिल करेगा वही करेंगे, नहीं तो यहाँ से फिर मंडी जाना पड़ेगा मुझे रुकने के लिए। और मंडी यहाँ से 50 किलोमीटर है भाई, 50 किलोमीटर का मतलब हो गया कम से कम ये रास्ते में 3 घंटा। तो अभी बच रहे हैं 4-5 बजे तक, सोचते हैं देखते हैं, और फिर अगर होगा तो निकल जाएंगे, जैसा होगा बताएंगे आपको। वैसे ये देख लो, बहुत सारा कॉटेज मिल जाएगा, ये तो इसका प्रॉपर्टी है। और इधर भी देख लो, इलेक्ट्रिसिटी तो है इस जगह पे भाई, ये किसी और की प्रॉपर्टी है, वाइल्ड हाई लग्जरी करके कुछ तो है, आप नेट पे चेक कर सकते हो इसको भाई। चलो भाई, बाइक तो मैंने ऐसे ही पार्क कर दिया था इस जगह पे, और देखते हैं खाना पीना खाते हैं इस जगह पे कुछ, और फिर जैसा होता है अपडेट करते हैं आपको। बरोट वैली आओगे तो एक गांव भी है इस जगह पे जिसका नाम बरोट ही है, बरोट के साथ ही बरोट वैली जुड़ा है। और भाई मतलब भाई देख लो इस तरीके का माहौल है। मैं खाना खाने आया था, पीछे जो है ये ढाबा दिख रहा है आपको, ये ठाकुर का ढाबा, यहाँ पे वेज थाली 120 रुपये में मिल जाता है भाई। तो इस जगह पे एक डैम भी है, मैं वो भी चल के दिखाऊंगा। ये सामने आपको दिख रहा है ये डैम है, तो ये भी ले जाके दिखाएंगे आपको। आशा नहीं था कि इस जगह पे जो है इस तरीके का मतलब इतना टेस्टी खाना जो है मुझे मिल पाएगा। आंटी ने 120 रुपये केवल लिया है और भर पेट जो है खा लिए भाई, चावल भी था रोटी भी था। डैम का शुरुआत तो ऐसे होता है, पर ये होटल वाले जो है ना मतलब इसका सुंदरता जो है बिगाड़ दिया। देख लीजिए यही डैम है, और डैम का पानी यहाँ पे देख लीजिए, इस साइड में स्टोर होता है और जितना लिमिट होता है उतना इधर साइड पे छोड़ा जाता है। ये लोग भाई देखो, ये थोड़ा थोड़ा छोड़ा जा रहा है ना, इधर दिखाते हैं, एकदम कम से कम पानी जो है लिमिट में इधर छोड़ा जा रहा है। देखो इधर तो पता भी नहीं चल रहा है, तो उससे समझ में भी नहीं आ रहा है पानी निकल रहा है इधर से, लेकिन इस जगह से समझ में आएगा। देखो देखो यहाँ से एकदम थोड़ा 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 छोड़ा जा रहा है भाई। देखो भाई इस जगह का ना ड्रोन शॉट देखो आप, और फिर बताओ कैसा लगा कमेंट करके। और भाई इधर से अब मंडी निकलेंगे क्योंकि शाम थोड़ा सा हो चुका है 5:30 के आसपास, और 2 घंटा के आसपास लगेगा, 50-60 किलोमीटर है यहाँ से, 50-55 किलोमीटर। तो निकल जाते हैं मंडी, आराम से वहीं पे जो है रुका जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है ना होटल का रेट बहुत है। टेंट है मेरे पास, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा यार टेंट में रुकने का, वो भी एक दिल करता है रुकने का हर चीज़ हर जगह पे। तो चलो भाई निकलते हैं इधर से, और सीधा आपसे मिलते हैं मेन रोड पे मोटो ब्लॉगिंग मोड में। तब तक आप ये ड्रोन शॉट देखो।
सो भाई ब्रॉट वैली से बहुत ऊपर आ गए हैं भाई साहब। टाइम तो भाई 5:30 से ज्यादा ही हो चुका है। फटाफट जो है अब 3-4 किलोमीटर और बचा होगा जहाँ से कॉर्नर से मुड़ना है मंडी के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ मंडी ही निकल जाओ क्योंकि भाई बढ़िया है, मंडी में गुरुद्वारा भी है रुकने के लिए। यहाँ पे मतलब नहीं बनता इस जगह पे रुकने के लिए क्योंकि इस जगह पे जो घूमना था घूम लिया। बरौट के लिए मंडी से ना बस चलती है, तो अगर बरौट अगर जाना चाहते हो, बरौट वैली जाना चाहते हो, तो मंडी से भी बस लेके आप आ सकते हो। फेयर मुझे नहीं पता है, पर आप इजीली आप सरकारी बस स्टैंड से मंडी से आप बरौट जा सकते हो। भाई ब्रॉट वैली से ना भाई क्या गाड़ी खींचा हूँ भाई। टाइम अभी हो रहा है 6:46 और केवल 10 किलोमीटर बाकी है भाई। 10 किलोमीटर में मंडी पहुँच जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा रिस्की तो था लेकिन ठीक है भाई, ज़िंदगी में कभी कभी रिस्क भी ज़रूरी होता है भाई, अपने लाइफ को आजमाने के लिए कि ज़िंदगी कितनी लंबी है अपनी। देख लो 7:03 हो चुके हैं और पहुंच चुके हैं मंडी। ये मंडी का जब मैं आया था ना तो ये ब्रिज बन रहा था, आज ये कंप्लीट हो चुका है भाई। ये जो देख रहे हो ये मंडी का गुरुद्वारा है और सुबह दिखाएंगे इसको, एक्सप्लोर सुबह करेंगे। और गाड़ी जो है इस जगह पे लगा दिए हैं और हेलमेट को जो है यहाँ बांध दिए हैं क्योंकि भाई रात के 8 बज रहे हैं और खाली सोना ही सोना है। तो मैंने हॉल में ही ले लिया है, रूम नहीं लिया है। पूरा दिन रहता तो मैं रूम भी ले लेता, कम से कम उसमें नहाना धोना सब हो जाता। इसमें वैसे वॉशरूम वगैरह है, बहुत साफ़ है और बहुत बड़ा है वॉशरूम, मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। और अब इस वीडियो को कहीं ख़त्म करते, ज़्यादा लेंदी नहीं करते, बहुत लंबा हो जाएगा फिर आप लोग देखोगे नहीं, स्किप कर दोगे। और फिर कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, मनाली वाला वीडियो आएगा, फिर मंडी को एक्सप्लोर करेंगे। क्या हुआ? वीडियो बना रहे? हाँ, अपना बना रहा हूँ। आपको भी आना है क्या? नहीं, मैंने आपको नहीं आना भाई। आपको नहीं आना है तो आप नहीं आना। चलो भाई कल जो है सुबह आपसे मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए। किसको? कोई है ही नहीं इधर, बोला है कि इनको ले लो, कोई है ही नहीं इधर। चलो भाई मिलते हैं अब कल सुबह एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।